दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रांसिस बेकन का एक और ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज। इस पर कल मैंने वोटिंग करवाई थी और मुझे पता था कि ऑफ स्टडीज को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, इसलिए दोस्तों मैंने इसको डाला था वोटिंग के अंदर। रीजन ये है कि ये बहुत सारे सिलेबस में शामिल है दोस्तों। वैसे इस ऐसे पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑफ स्टडीज पर, लेकिन वो बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले बनाई हुई वीडियो थी, उसमें आपको मैच्योरिटी भी देखने को नहीं मिलेगी मैं किस तरह से बोल रहा हूँ उसके अंदर। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग इस ऐसे को डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फ्रांसिस बेकन के सारे ऐसे वैसे पढ़ने लायक है, लेकिन ये जो ऐसे है इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलता है। अगर ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है फिर भी आपको देखना चाहिए दोस्तों ये वीडियो, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रांसिस बेकन के जितने भी ऐसेज हैं उन सब में सबसे काम का ऐसे है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ स्टडीज। इस ऐसे की स्टार्टिंग में ही बेकन बोलते हैं कि बुक्स की स्टडीज क्यों की जाती है। इसके तीन मकसद होते हैं, सबसे पहले प्लेजर के लिए यानी कि मज़े के लिए, दूसरा दिखावे के लिए कि आदमी अपनी कन्वर्सेशन करने के लिए मतलब बुक्स से कुछ कोटेशंस कुछ वर्ड्स उठा करके वो अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सके, दिखावा कर सके, और तीसरा बुक्स पढ़ने से इंसान की प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो डिलाइट, ऑर्नामेंट और प्रैक्टिकल एबिलिटी, ये तीन मकसद होते हैं बुक्स पढ़ने के। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं ज़्यादातर पहले मकसद के लिए, ज़्यादातर मज़े के लिए बुक्स पढ़ी जाती है। अब वो आगे बताते हैं कि बुक्स इंसान को प्लेजर तब देती है जब वो अकेले में फुर्सत में बैठा हुआ होता है, जब उसके आसपास कोई भी नहीं होता। और दूसरा, बुक्स से इंसान को बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं जिनको वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकता है, कोटेशंस वगैरह। और इसके अलावा तीसरा ये कि वो करेक्टली जजमेंट कर सकता है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ के कामों में, चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब जजमेंट वो कर सकता है। बुक्स पढ़ने से एक्सपीरियंस मिलता है, और जिस आदमी के पास एक्सपीरियंस होता है तो उसके पास सर्टनली ये कैपेसिटी भी होती है कि वो हर एक इंडिविजुअल से डील कर सके और कोई भी दूसरी मैटर्स उसके सामने आए तो वो डील कर सके एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के साथ में और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स करके। तो हम ये सब चीज़ें किससे एक्सपेक्ट करते हैं? सिर्फ एक लर्न यानी कि पढ़े लिखे आदमी से जो बहुत कुछ पढ़कर नॉलेज गेन कर चुका है। अब ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर वो नेगेटिव बातें बताते हैं। वो बोलते हैं कि पढ़ाई करना ठीक है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम अगर स्टडी को देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कितने लेज़ी हैं, आलसी टाइप के हैं। मतलब जो आदमी अपना ज़्यादातर टाइम सिर्फ स्टडी को देता है तो इसका मतलब वो अपने स्वभाव से, अपने नेचर से, टेम्परामेंटली बोलते हैं इसको, वो टेम्परामेंटली लेज़ी हो चुका है। और दूसरी नेगेटिव बात ये, जब कोई इंसान हर वक्त अपनी बातचीत में अपनी स्टडी के दिखावे के लिए बुक्स के मटेरियल को डालता है अपनी कन्वर्सेशन में अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको बेकार में, तो वो भी बेकार है। शो करने की कोशिश कर रहा है वो अपने स्टडी के अफेक्शन को। और तीसरा, जब कोई इंसान हर चीज़ को बुक्स के हिसाब से जज करेगा तो ये चीज़ उसकी सनक दिखाती है, मतलब कि वो लाइफ की रियलिटीज से दूर है, बेफिक्रा है, वो बस बुक्स के हिसाब से सबको जज करता है। कहने का मतलब पढ़ाई को एक रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम देना चाहिए, इतना नहीं कि वो आप पर हावी हो जाए। पढ़ाई भी मतलब स्टडी भी आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों साथ साथ ही चलने चाहिए, ये म्यूचुअली एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। बुक्स तो हमें नॉलेज देती है, हमारी कमियों को पूरा करती है, और एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको ये सिखाते हैं कि बुक्स की इस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है। अब यहाँ पर बेकन बोलते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब कि अगर हम में नेचुरल एबिलिटीज़ हैं तो उनको ट्रिमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये ट्रिमिंग और शेप देने का काम करती है बुक्स। तो कहने का मतलब ना तो स्टडी अपने आप में पूरी है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्टडी को ऐड करने की ज़रूरत है यूज़फुल बनाने के लिए। बुक्स से ज़रूर हमें नॉलेज आती है, लेकिन बुक्स हमें कभी ये नहीं बताती कि उस नॉलेज का यूज़ कैसे करना है। और ये चीज़ हमें कहाँ सीखने को मिलती है? जब हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी मैनर्स को जनरल लाइफ में। तो ये गेन की हुई नॉलेज का यूज़ हमें आउटसाइड के माहौल से ही सीखने को मिलता है, और बुक्स का स्कोप भी हमें बुक्स के अंदर ही बहुत बड़ा मिलेगा। अब फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि हमें स्टडी किस किस काम के लिए नहीं करनी चाहिए।
दूसरों को अपोज करने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए बुक्स को रीड नहीं करना चाहिए, या फिर बुक्स में जो कुछ भी लिखा है सिर्फ आंखें बंद करके हमें मान नहीं लेना चाहिए, या फिर बुक्स में हमें अपनी कन्वर्सेशन के लिए मटेरियल मिलेगा बहुत सारा ताकि हम अपनी कन्वर्सेशन में इसको यूज़ कर लें, सिर्फ इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें बुक्स के कंटेंट को एकदम केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए, ठीक से नाप तोल के जज करना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन्स में बहुत ही काम की बात बोलते हैं फ्रांसिस बेकन, गौर से सुनना। वो बोलते हैं कि कुछ बुक्स होती है सिर्फ टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने का मतलब कुछ बुक्स में से हमें सिर्फ सैम्पल्स और एग्जाम्पल्स वगैरह को उठाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पूरा पढ़ें। दूसरे टाइप की बुक्स होती है स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। दूसरी टाइप की बुक्स होती है सिर्फ निगल जाने के लिए, मतलब उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए, मतलब केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ लो लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ लो, केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जिनको ढंग से चबा चबा के जब तक वो बुक्स डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बुक्स बहुत कम होती है जिनको बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए, एक एक चीज़ को केयरफुली पढ़ना चाहिए जो भी मटेरियल मिलता है। और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको पढ़ना तो चाहिए लेकिन केयरफुली नहीं, और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको हमें दूसरों से पढ़वाना चाहिए, मतलब दूसरे हमारे लिए उन बुक्स को पढ़ें और हम लोग बस उन बुक्स की समरीज को सुन लें। ये ऐसे होता है जैसे किसी भरी हुई चीज़ में गुदगुदी चीज़ में से पानी निकाल लेना, ठीक है, समरीज वो होती हैं। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ये भी बोलते हैं कि समरीज जो होती है वो बिल्कुल टेस्टलेस होती है, मतलब कि उनमें कुछ ज़्यादा प्लेजर नहीं होता। अगर किसी टेक्स्ट को एंजॉय करना है तो उसे कंप्लीट पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, समरी नहीं। अब आगे बहुत ही काम की बातें कही हैं फ्रांसिस बेकन ने। वो बोलते हैं कि रीडिंग आदमी को डेवलप करती है, फुल मैन बनाती है। डिस्कशन यानी कन्वर्सेशन जब आदमी करता है तो वो बहुत ही क्विक और अलर्ट बन जाता है, यानी कि हाजिर जवाब आदमी बन जाता है। और राइटिंग, राइटिंग आदमी को परफेक्ट करती है, करेक्ट बनाती है, याद रखने में मदद करती है। इसलिए फ्रांसिस बेकन इन तीनों के लिए बोलते हैं कि अगर कोई आदमी लिखने में अच्छा नहीं है, नोट्स बनाने में अच्छा नहीं है, उसे नोट्स बनाना पसंद नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेमोरी शार्प हो, मतलब अगर वो कुछ भी पढ़े तो उसे याद रहना चाहिए एक लंबे टाइम के लिए, तभी अगर वो नोट्स नहीं बनाता तो उसके लिए अच्छा है। दूसरा बोलते हैं कि जो आदमी बातचीत नहीं करता, इतनी कन्वर्सेशन नहीं करता, लोगों से मिलता नहीं है, बोलता चालता नहीं है, तो ऐसे आदमी को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो कम ही बोले लेकिन जब भी बोले, जितना भी बोले, लोग उसके फ़ैन हो जाएं एक तरह से। लेकिन यहाँ पर स्पेशली उसके लिए बताया जो आदमी ज़्यादा पढ़ता नहीं है। फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि जो आदमी ज़्यादा पढ़ता नहीं है उससे बहुत चालाक होने की ज़रूरत है, बहुत ही स्किलफुल होना चाहिए। अगर वो ऐसे लोगों के बीच में बैठता है जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं तो उसको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए जैसे जो बातें वो कर रहे हैं उसने भी पढ़ रखी है, ऐसा इंप्रेशन दिखाना चाहिए उनके सामने, चाहे उसने ना भी पढ़ी हो वो चीज़। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फ्रांसिस बेकन से। आगे वो बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से आदमी समझदार बनता है क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, पोइट्री पढ़ने से आदमी क्लेवर बनता है, चालाक बनता है, इमेजिनेटिव बनता है, मैथमेटिक्स पढ़ने से वो एक रिफाइंड इंटेलेक्चुअल बनता है, नेचुरल फिलोसॉफी पढ़ने से वो लॉजिक सीखता है और बहस करने के लायक बनता है। और ये अगली लाइन का मतलब ये है कि आदमी जैसा जैसा पढ़ता है वैसा ही कैरेक्टर बनता जाता है वो, ठीक है। अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाती है जैसे कमर का दर्द है तो कमर की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कोई भी शरीर में बीमारी लगे उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। ऐसे ही दिमाग में कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए भी ठीक से एक फिक्स स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर फिजिकल बीमारियों के लिए बताते हैं कि बॉलिंग करने से किडनी के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, दूसरा शूटिंग करने से लंग्स और ब्रेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, वॉक करने से स्टमक यानी कि पेट अच्छा रहता है, राइड करने से दिमाग अच्छा रहता है। तो ऐसे ही एक आदमी अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ध्यान से सुनना, एक आदमी अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसका दिमाग इधर उधर भटकता है,
तो उसके लिए फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ने से उसमें क्या है, पेशेंस आएगा, एक जगह टिका रहेगा, उसका ध्यान भटकेगा नहीं। और अगर ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसका फिर से ध्यान भटक जाता है तो उसे फिर से शुरू करना चाहिए, शुरू से उसे शुरू करना चाहिए। और अगर कोई इंसान चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, बारीकियाँ ढूंढ नहीं पाता चीज़ों की, डिफरेंस नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं ढूंढ पाता, तो उसे स्कूलमैन को पढ़ना चाहिए। स्कूलमैन यहाँ पर दोस्तों फिलोसोफर्स को कहा गया है, उसे फिलोसोफर्स को पढ़ना चाहिए, फिलोसफी पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिलोसोफर्स ऐसी चीज़ों को नोटिस करते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम बताते हैं लोगों की कि वो ठीक से एग्जाम्पल नहीं दे पाते, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कमज़ोर रहते हैं, ठीक से एग्जाम्पल नहीं दे पाते। अगर उसे एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, लॉयर्स के लीगल केसेस को। लॉयर्स जब अपना केस लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, उनको याद रहता है सब कुछ, तो उनकी केसेस को पढ़ने से, लॉयर्स का काम ही ये होता है एग्जाम्पल्स वगैरह देना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, ये चीज़ उस आदमी के लिए सही है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा सकता, एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता। तो जिस तरह से दिमाग की कोई भी बीमारी है उसी टाइप से उसका इलाज है। और दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ ये ऐसे ख़त्म होता है।